नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम प्लस स्टडी में। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं 15 जुलाई आने का, तो आज 15 जुलाई आ चुकी है और अभी तक आपके कौन सी कंपनी आपकी परीक्षा कराएगी 52,699 इनकी रिकॉर्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो क्या किसी कंपनी ने अभी तक टेंडर नहीं लिया, तो आपकी परीक्षा कब तक होगी, नोटिफिकेशन कब तक जारी कर दिया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी स्टूडेंट लगातार 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि हम UPSC भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन कब तक देखेंगे, क्योंकि आप सुनते हैं कि इस महीने जारी कर दिया जाएगा, उस महीने जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सही न्यूज़ नहीं मिल पाई कि आपका जो टेंडर है और नोटिफिकेशन कब तक जारी करते हैं। जो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसका नोटिफिकेशन तो आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कंपनी भी हायर हो चुकी है, तो आपकी जो कंपनी ने पिछली बार 41,520 और 49,568 की परीक्षा कराई थी, वही परीक्षा इस बार भी कराएगी। आप जानते हो उस कंपनी का नाम, फेमस कंपनी है TCS, तो वो भी इस बार भी आपकी परीक्षा कराने वाली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है अगस्त में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप से लोग अपनी तैयारी कर दिए, जितनी देर नोटिफिकेशन में आने की लगेगी और आपका जो परीक्षा का टाइम उतना ही घटता जा रहा है। तो आपकी परीक्षा दिसंबर में हर हाल में होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर में परीक्षा होगी। तो नोटिफिकेशन भले आपका अगस्त में आए या सितंबर में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी बस तैयारी को मेहनत करते रहिए। अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं, और आपको तैयारी ऐसी नहीं करनी कि आप जा कर के वार्डर पर लटक जाएँ, आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी ना रोक पाए, आपको कम से कम 200+ नंबर का टारगेट आपको हर हाल में बना के चलना है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 200+ नंबर का आपको टारगेट तो बना करके चलना है, ठीक है। और अब मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करा के रख लीजिएगा, 1 साल से पुराना अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट है तो आप अपने नया डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, क्योंकि जब भी भर्ती प्रक्रिया आती है उसके 1 साल पुराना डॉक्यूमेंट तो मान हो जाता है, उसके ज़्यादा दिनों का मान नहीं होता है। तो आप जो लोगों को डॉक्यूमेंट से कोई भी दिक्कत छेड़खानी नहीं करनी है, नए डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, इसके लिए आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े लास्ट टाइम पर, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप UPSC की तैयारी करें तो मैं अपने चैनल पर आपको लगातार हिंदी GK GS UPSC साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, यही प्रैक्टिस सेट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं जितने प्रैक्टिस करवा दूँ, अगर आप मेरी सभी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो UPSC परीक्षा होगी इसमें एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। कुछ समय बाद मैं कंटेपर के भी प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, अगर सारे प्रैक्टिस सेट लगा लेते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, रीजनिंग और मैथ को छोड़ने के अलावा, क्योंकि मैं कुछ टाइम आएंगे के बाद रीजनिंग और मैथ की भी लाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है तो इसके लिए मैं प्रबंध कर रहा हूँ, जैसे ही बोर्ड की व्यवस्था हो जाती है तो मैं आपके साथ लाइव क्लास लेने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपके बोर्ड पर ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी करा के रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपका अगस्त में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, और आपकी परीक्षा दिसंबर 2023 में होगी तो होगी, ये आप ध्यान करके रख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 में चुनाव है, तो इसके लिए वोटरों को मिलवाना है, तो इसके लिए आप सभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं UPSC की, वो अपना वोट भी देंगे, क्योंकि इस दिल्ली व्यक्ति प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो जाएगी, तो इसके लिए आप तैयारी करती रहिएगा, लगातार आप तैयारी करते हैं, तैयारी में आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप पीछे हट जाएंगे, अगर आप आज पीछे हटते हैं तो निश्चित है आपको ज़िंदगी भर पीछे हटना, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको आज मेहनत कर लेंगे तो आपको हमेशा ज़्यादा दिन तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी एक मेहनत आपकी 3 पीढ़ियों को सुधार सकती है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बस कुछ यही महत्वपूर्ण जानकारी थी, लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जो 15 जुलाई को नोटिफिकेशन और टेंडर संबंधित जानकारी थी वो अभी तक नहीं आई, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो नोटिफिकेशन अगस्त में देखने को मिल जाएगा। बस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।